गुड इवनिंग एवरीवन, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सभी? एंड आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। मैं दीप्ति सिंह स्वागत करती हूँ आपका स्टडी विद एटीपी क्लासेस में। यहाँ पर चल रही है हमारी करंट अफेयर सीरीज़। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल, एंड यू मस्ट हैव टू फॉलो दिस एंड सब्सक्राइब दिस, शेयर दिस, तो उसका लिंक यहाँ पर गिवन है। आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसे नेसेसरली ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप, द लिंक इज़ गिवन हियर। और अगर आप हमारा कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि बहुत रीजनेबल प्राइजेस पर अवेलेबल है, आप उसे इजीली अवेल कर सकते हैं, देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, एंड दिस नंबर इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, तो आप वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ, हम करेंट अफेयर सीरीज़ में जनवरी पार्ट 6 को कवर करेंगे। तो हम लोग निधन कर रहे थे जो कि हमारा हो चुका था, अब इसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओलंपिक कांस और विश्व कप विजेता हॉकी खिलाड़ी माइकल किंडो का निधन हो गया है। इन्होंने 1971, 1973 और 1975 में 3 पुरुष हॉकी विश्व कप खेले जहां भारत ने कांस, रजत और स्वर्ण पदक जीते थे। वे 1972 के ओलंपिक खेलों में भी खेले थे जहां भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। किंडो को 1972 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। ओके, तो अगर पूछा जाए माइकल किंडो इज रिलेटेड विद, किससे रिलेटेड है भाई? हॉकी से। ओके, नेक्स्ट, प्रथम श्रेणी के दुनिया के सबसे पुराने जीवित क्रिकेटर एलन बर्गेस का 100 वर्ष की आयु में निधन। इनके दाहिने हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के धीमी गति के गेंदबाज थे। एलन ने 1940-41 से 1951-52 तक कैंटरबरी के लिए 11 प्रथम श्रेणी मैच और 1945 में इंग्लैंड न्यूजीलैंड सर्विसेज के लिए भी मैच खेले थे। तो इनका 100 ईयर्स में डेथ हुई है इनकी, तो ये ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। और ध्यान रखिएगा एलन बर्गेस रिलेटेड विद क्रिकेट। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भतीजी, अभी हमने बात करी थी पराक्रम दिवस की कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भतीजी और प्रख्यात शिक्षाविद चित्रा घोष का निधन हो गया है। उन्होंने शिक्षाविदों और सामुदायिक सेवाओं में अग्रणी योगदान दिया और युवाओं को पढ़ाने और प्रेरित करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्रोफेसर बोस कोलकाता के लेडी ब्रेवॉर्न कॉलेज में राजनीति विज्ञान की विज्ञान विभाग की पूर्व प्रमुख थी। ओके, तो ये उनकी भतीजी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, चित्रा घोष। नेक्स्ट, समकालीन महिलाओं के लिए भारतीय साड़ी को नया रूप देने के लिए प्रसिद्ध मशहूर फैशन डिज़ाइनर सत्या पॉल का निधन हो गया है। तो अगर सत्या पॉल का नाम पूछा जाए, रिलेटेड विद फैशन डिज़ाइनिंग, राइट? सत्या पॉल ने 1980 में भारत की पहली साड़ी बुटीक एल अफेयर शुरू किया था। कब? 1980 में। और 1986 में उन्होंने ब्रांड सत्यापाल के तहत भारत का पहला डिज़ाइनर लेबल लॉन्च किया था, जो अब देश के प्रमुख ब्रांडों में से एक बन गया है। नेक्स्ट है, भारत के पूर्व विदेश मंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री रहे दिग्गज कांग्रेस नेता माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है। तो किसके नेता थे ये? कांग्रेस के। ओके, उन्होंने 1991 से मार्च 1992 तक भारत के विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया था। वह 1976 से 1990 के बीच 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। अभी गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हैं ये आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। नेक्स्ट, वयोवृद्ध पत्रकार और वक्ता, सार्वजनिक वक्ता श्री तिरुलापति कुटुम्बा राव का निधन हो गया है। वह तेलुगु भाषा में पत्रकारिता के लिए, अपनी सेवा के लिए जाने जाते थे। तो अगर तिरुलापति कुटुम्बा पूछा जाए, देन रिलेटेड विद पत्रकारिता। ओके, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और पत्रकार नील शेहान का निधन हो गया है। ये पुलित्जर पुरस्कार विजेता रह चुके हैं। इन्होंने 1962 से 1966
तक यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल और टाइम्स के लिए वियतनाम युद्ध को कवर किया। उन्होंने 1989 में अ ब्राइट शाइनिंग लाई जॉन पॉल वॉन और अमेरिका इन वियतनाम के लिए पुलित्जर पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। नेक्स्ट, भारतीय मूल के अमेरिकी लेखक वेद मेहता, जो भारतीय मूल के थे बट ही वॉज एन अमेरिकन राइटर, बचपन में ही आंखों की रोशनी खो दी थी इन्होंने। भारतीय अमेरिकी उपन्यासकार और 20वीं सदी के दिग्गज लेखक के रूप में व्यापक रूप से जाने जाते हैं। इन्होंने अमेरिकी पाठकों को भारत से पहचान करवाई थी। वेद मेहता, ओके। नेक्स्ट है, प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित डी प्रकाश राव का निधन हो गया है। इन्होंने कटक में झुग्गी गरीब तबके में बच्चों में शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2019 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय महान शास्त्रीय संगीतकार और पद्म विभूषण से सम्मानित उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया है। और इन्होंने 1991 में पद्मश्री और 2006 में पद्म भूषण और 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण? क्या डिफरेंस है तीनों में? कोई कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, वन सेकेंड एवरीवन। यस, पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रसिद्ध उद्योगपति कमल मुरार का निधन हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं ये। इन्होंने 1990 से 1991 तक प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के कार्यकाल में राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया था। कौन? कमल मुरार का। नेक्स्ट है, पद्म पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया है। वह चेन्नई में वर्रा कैंसर संस्थान की चेयरपर्सन थी, जिसमें 1954 में शामिल हुई थी। यह संस्थान सभी रोगियों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए जाना जाता है। कौन है ऑन्कोलॉजिस्ट? डॉक्टर वी शांता। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने 1988-89 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार में मंत्री के रूप में कार्य किया और 1993 में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए। तो कौन है वहाँ के पूर्व राज्यपाल जिनका निधन हुआ है? माता प्रसाद। नेक्स्ट है, अनुभवी मलयालम अभिनेता उन्नी कृष्णन नंबोथरी का निधन कोविड-19 के संक्रमण के दौरान हुआ। उन्होंने 1996 में देशदनम से अभिनय की शुरुआत की थी। तो कौन? उन्नी कृष्णन नंबोथरी, इनका निधन हो गया। ये एक मलयालम अभिनेता थे। नेक्स्ट, धार्मिक गीतों और भजनों में विशेषज्ञता रखने वाले प्रतिष्ठित भारतीय भजन गायक नरेंद्र चंचल का निधन हो गया है। इन्होंने 1976 की फिल्म बॉबी के लिए एक बॉलीवुड गीत बेशक मंदिर मस्जिद गाया और फिल्म फेयर बेस्ट मेल प्लेबैक अवार्ड जीता था इन्होंने। तो नरेंद्र चंचल। नेक्स्ट, भारतीय प्रतिष्ठित अमेरिकी रेडियो टेलीविजन होस्ट और पेट प्रवक्ता लैरी किंग का निधन हो गया है। वह 1976 में द लैरी किंग शो के रेडियो होस्ट से प्रसिद्ध हुए थे और फिर 1985 से 2010 तक लगभग 25 वर्षों तक CNN पर लैरी किंग लाइव शो को होस्ट किया था उन्होंने। तो कौन है? लैरी किंग। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार लेखक कवि और सेवानिवृत्त नौकरशाह नरेंद्र लूथर का निधन हो गया है। वो 1955 बैच के IAS अधिकारी थे और लूथर पूर्ववर्ती हैदराबाद राज्य और उसके शासकों के इतिहास और संस्कृति से निकटता से संबंधित थे। कौन? नरेंद्र लूथर। नेक्स्ट है, भारतीय पूर्व भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर प्रशांत डोरा का निधन हो गया है। प्रशांत डोरा,
फुटबॉल से रिलेटेड हैं। उन्होंने घरेलू फुटबॉल में टोलीगंज अग्रगामी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट मॉमडन स्पोर्टिंग मोहन बागान और ईस्ट बंगाल का प्रतिनिधित्व किया था प्रशांत जोरा जी ने। नेक्स्ट है ऑस्कर विजेता अभिनेता क्लोरिस लीचमैन का निधन हो गया है। ये दिवंगत स्टार को हॉलीवुड के सबसे विपुल कलाकारों में से एक के रूप में जाना जाता था। हॉलीवुड स्टार क्लोरिस लीचमैन जिन्होंने अकादमी पुरस्कार गोल्डन ग्लोब और 8 प्राइम टाइम एमी अवार्ड जीते थे। तो ये हो गए हमारे जितने भी निधन हुए थे। अब हम बात करेंगे स्टैटिक टेक एवरेज की, ठीक है। तो म्यांमार के राष्ट्रपति कौन बने हैं? विन मिंट। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेपिटाव। और म्यांमार की मुद्रा क्या है? कैट। ओके, नेक्स्ट एयू स्माइल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर। एयू स्माइल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? संजय अग्रवाल। जीएवीआई गैवी का मुख्यालय स्थान कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और जीएवी स्थापित कब हुआ था? जनवरी 2000 में। आईसीसी के अध्यक्ष अगर देखे जाएं तो वो हैं ग्रेग बार्कले। आईसीसी के अध्यक्ष आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी। आईसीसी का मुख्यालय है दुबई संयुक्त अब अमीरात में। और डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? क्वालालंपुर। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय क्वालालंपुर मलेशिया में। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1934 को, 5 जुलाई 1934 में। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? पॉल एरिक होयर लॉर्सन। और भारतीय रेलवे की स्थापना की अगर बात करें तो ये कहाँ कब हुई? 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853। ओके, भारतीय रेलवे मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और भारतीय रेल के केंद्रीय मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। INCOIS के निदेशक टी श्रीनिवास कुमार हैं। और INCOIS की स्थापना 1998 में हुई थी। INCOIS का मुख्यालय प्रगति नगर हैदराबाद में है। और असम के लोक नृत्य की अगर बात करें तो क्या है? बिहू नृत्य, बगरुम्बा, भोराल नृत्य, झूमर नृत्य। और स्काईरोट एरोस्पेस के संस्थापक और सीईओ कौन है? पवन कुमार चंदना। स्काईरोट एरोस्पेस कब स्थापित हुआ था? 12 जून 2018 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्काईरोट एरोस्पेस मुख्यालय का स्थान कहाँ है? हैदराबाद। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? अदरार पूनावाला। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ, ये आपको मतलब पूछा जा सकता है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये कहाँ सिचुएटेड है, ठीक है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है, उसके फाउंडर कौन है? तो साइरस एस पूनावाला उसके कौन थे? फाउंडर। और इसके सीईओ अदरार पूनावाला हैं। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कब बना था? 1966 में। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? पुणे में। आईआईटी हैदराबाद के निदेशक कौन है? बुद्ध राजू श्रीनिवास मूर्ति आईआईटी हैदराबाद के निदेशक हैं। एचपी हैदराबाद के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं बंडारू दत्तात्रेय। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अगर देखा जाए तो सुनील अरोड़ा। और मुख्य चुनाव आयुक्त का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ। और मुख्य चुनाव आयुक्त का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। और रेलवे बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। सेल का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
सेल की स्थापना कब हुई थी? 19 जनवरी 1954 को। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण है। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं। UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। UNDP के हेड हैं अचिम स्टेनर। UNDP कब स्थापित हुआ था? 22 नवंबर 1965 को या 22 नवंबर 1965 को या 22 नवंबर 1965 को। इसरो के अध्यक्ष हैं KS सिवन, जिसके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं, पहले में भी आया चुका है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटका में। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में, 15 अगस्त 1969 में। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मुख्यालय कहाँ है? ग्लॉन्स स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, इसका है ग्लॉन्स स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स के CEO कौन है? ग्रेटल एग्रेडल। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के फाउंडर कौन है? जूलियन हक्सले। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर कब स्थापित हुआ था? ये हुआ था 5 अक्टूबर 1948 को या 5 अक्टूबर 1948 को। ADB के अध्यक्ष कौन है? मात्सुको अस्कावा, और इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला फिलीपींस में। तो ADB की मनाली में समझ लीजिएगा, मनीला फिलीपींस में है। ADB की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1966 को, ओके, 9 दिसंबर 1966। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई चीन में। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? मार्कोस प्रारोटाइजो। न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक कौन है? ब्रिक्स। और न्यू डेवलपमेंट की स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 2014 में या 15 जुलाई 2014 में। तो ये था हमारा जनवरी का करंट अफेयर्स का पार्ट 6। आई होप यू लाइक इट, रिवाइज इट और इसी तरह पढ़ते रहिए। और कोई डाउट है देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।